हम बात कर रहे हैं IEX की। आज के दिन की बात करें तो स्टॉक में हमको बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिली है। 4% के ऊपर के अपसाइड के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई है। इससे पहले वीडियोस में हम लगातार डिस्कस करते आ रहे थे 200 के ब्रेकआउट का स्टॉक 200 का ब्रेकआउट दिखा सकता है, इस बात को हम डिस्कस करते आ रहे थे। और देख सकते हैं आज के दिन बड़ी बाइंग के साथ, बड़े जंप के साथ स्टॉक ने जहां से 2-3 दफ़ा रिजेक्शन लिया था 200 का लेवल इसको ब्रेकआउट करता नज़र आ रहा है। इसके ऊपर हमको क्लोजिंग भी देखने के लिए मिली है। तो यहाँ से IEX के टारगेट और ऊपर है, IEX यहाँ से और अपसाइड और बड़े टारगेट दिखा सकता है, इस बात को हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था। देख सकते हैं एक बड़े जंप के बाद स्टॉक ऊपर की ओर ही सस्टेन होता नज़र आया था, अपने सपोर्ट को ब्रेक डाउन नहीं कर रहा था। 185 का लेवल देख सकते हैं, 3 दफ़ा स्टॉक ने गिरावट के साथ इसी लेवल पर सपोर्ट लिया 185 के लेवल पर, और उसी लेवल से बाउंस बैक करके आज के दिन हमको बड़ी बाइंग देखने के लिए मिली है। तो अब जिस रेंज को ब्रेकआउट किया है, जिस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है 200 के लेवल को, नीचे की ओर इमीडिएट सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है। और ये जो लो है जो आपको नज़र आ रहा है 185 का लेवल सबसे आखिरी सपोर्ट है। 180-185 का लेवल जब तक इसके ऊपर है IEX में अपसाइड के चांस बने हुए। बड़े जंप के साथ स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, छोटी मोटी गिरावट देखने के लिए मिली है। तो कल के दिन हमको इमीडिएट जो टारगेट देखने के लिए मिलेगा 205 का लेवल, और इसको ब्रेकआउट करके 208 से 210 तक का भी जंप दिखा सकता है। कल भी हमको बड़ी बाइंग स्टॉक में देखने के लिए मिल सकती है, बड़ा जंप स्टॉक दिखा सकता है। 210 के लेवल से अगेन हमको छोटी मोटी हो सकता है गिरावट दिखाए, लेकिन चांस है और अपसाइड के। 210 का लेवल ब्रेकआउट कर गया तो 220 नेक्स्ट रेजिस्टेंस, और इसको ब्रेकआउट करके 240 तक का जंप आप IEX हमको शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।